गाजियाबाद से आ रही है जहां टैटू बनवाने से महिलाओं को हुआ है एड्स। गर्भवती महिलाओं में फैला है एचआईवी। जिला हॉस्पिटल में हुई है काउंसलिंग। कुछ साल में लगभग 68 महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव हुई हैं और 20 महिलाओं ने टैटू को बताया है वजह। टैटू बनाने की सुई से फैला है यह एचआईवी। संक्रमित सुई से कई महिला शिकार हो गई है और ये संक्रमित इंजेक्शन से कई महिलाओं में एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है। तो ये बड़ी खबर है, टैटू बनवाने से महिलाओं को एड्स हो गया है। ये खुलासा हुआ है गाजियाबाद में जिला हॉस्पिटल में, जहां पिछले कई दिनों से मामले सामने आ रहे थे जिसमें 20 महिला ऐसी हैं जिन्होंने टैटू को वजह बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर है गर्भवती महिलाओं में भी एचआईवी फैल गया है। कुछ साल में 68 ऐसे मामले हैं जो सामने आ चुके हैं, लेकिन 20 ऐसी महिलाएं हैं जो इस बात का जिक्र करती हुई नजर आई हैं कि वो जो एचआईवी पॉजिटिव हुई हैं वो टैटू बनवाने की वजह से हुई है। पीयूष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कैसे पूरा खुलासा हुआ और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो एचआईवी पॉजिटिव हैं अभी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, पिछले कुछ समय से ये खबर मीडिया की सुर्खियों में है कि जिला अस्पताल में इस तरीके के मरीज सामने आए जो कि पूर्व प्रसव के लिए महिलाएं आई थी जिनको टैटू बनाने के बाद एचआईवी पॉजिटिव होने का मामला सामने आया। हालांकि संख्या को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे आंकड़े किसी भी मीडिया के साथ साझा नहीं किए गए हैं, पर जिस तरह से ये इंफेक्शन होता है, रोड साइड जो टैटू बनाते हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित सुइयों का प्रयोग करते हुए इस तरह के मामले सामने आते हैं। हालांकि कुछ केस सामने आने की बात करें पर संख्या को लेकर जो अस्पताल प्रशासन है वो अभी पुष्ट आंकड़े नहीं दे पा रहा है। पर हाँ, कुछ महिलाओं के पूर्व प्रसव के दौरान जब उनके टेस्ट हुए तब उनके एचआईवी पॉजिटिव सामने की बात एचआईवी पॉजिटिव होने की बात सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और